अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एसक्यूएल लेक्चर। टुडे लेक्चर नंबर 6, और आज हमारा लास्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान ये है कि इसके लास्ट पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है, और समटाइम यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं भी आता है, लेकिन उस सूरत में 7 टाइम ज़रूर मैंशन होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब यहाँ पे रो रहा है आ रहा है, कंटिन्यूस की भी यही पहचान थी, लेकिन वहाँ पे टाइम मेंशन नहीं था साथ में। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर इसके साथ टाइम मेंशन किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे, तो ये टाइम मेंशन है। इट मींस कि ये जो फिक्रा है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम द चाइल्ड, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा, और वीपिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वीप, और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये वीपिंग बन जाएगा। उसके बाद फॉर 2 आवर्स ये टाइम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा द चाइल्ड, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फिर उसके फौरन बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन आएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी प्लस आईएनजी वीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे साथ में। तो ये फिक्र हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसी को हम इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये फिक्र बन जाएगा क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, उसके बाद द चाइल्ड सब्जेक्ट आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा बीन, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी प्लस आईएनजी वीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट टेंस हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि वो सुबह से कपड़े धो रही थी, यहाँ पे रही थी आ रहा है, लेकिन इसके साथ टाइम मेंशन है कि सुबह से, इसलिए हमें यहाँ से पता चला कि ये फिक्रा जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, फिर हैड बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वाश, और साथ आईएनजी आ जाएगा, तो ये वाशिंग बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्लॉथ्स, और फिर सिंस मॉर्निंग टाइम मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा शी हैड बीन वाशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अब इसी फिक्रे को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, हैड के फोन बाद नॉट आएगा, और फिर बीन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वाश, और प्लस आईएनजी आ जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा सिंस मॉर्निंग टाइम आ जाएगा। तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव, शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अब इसी फिक्रे को हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है यानी सवालिया फिक्रे में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा क्या वो सुबह से कपड़े धो रही थी। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा शी, फिर बीन आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश आएगी प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे साथ वॉशिंग बन जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा क्लॉथ्स, और सिंस मॉर्निंग टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ये फिक्रा हमारे पास बन जाएगा हैड शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान ये है कि इसके लास्ट पे ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है, लेकिन समटाइम इसके लास्ट पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, लेकिन उस सूरत में इसके साथ टाइम मेंशन होता है। अब ये फिक्र है वो स्कूल जाता रहा होगा, ता रहा होगा रहा है, इट मीन्स कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो आएगी, और प्लस आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग बन जाएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट स्कूल। तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसी फिक्रे को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वो स्कूल नहीं जाता रहा होगा। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही विल नॉट हैव, विल के फॉर्म बाद नॉट आएगा, और फिर हैव बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी गो, और प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये गोइंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा टू स्कूल ऑब्जेक्ट। तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसी फिक्रे को हम इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे में कन्वर्ट करेंगे, क्या वो स्कूल जाता रहा होगा। तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल,
उसके बाद सब्जेक्ट ही आ जाएगा, फिर हैव बीन आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे तो गोइंग आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे स्कूल, तो ये फिक्र हमारे पास बन जाएगा विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल।